ग्वालियर के बाहुड़ापुर इलाके में एक महिला के साथ जमीन के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामले में एक महिला और एक पुरुष के खिलाफ में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी की तलाश में लगी हुई है। बता दें कि एडिशनल SP क्राइम ब्रांच के राजेश दंडौतिया ने बताया है कि बाहुड़ापुर क्षेत्र की रहने वाली आशा देवी की इंदरगंज निवासी मीरा देवी और वीर सिंह ने गंगा मालनपुर स्थित जमीन का सौदा किया था। आरोपियों ने रजिस्ट्री कार्यालय में जमीन की रजिस्ट्री भी करा दी थी, लेकिन बाद में महिला को मालूम हुआ कि जिस जमीन की रजिस्ट्री हुई है उसी जमीन की रजिस्ट्री आरोपियों ने पहले ही किसी और के नाम पर कर दी है, जिसके बाद पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। यूनिवर्सिटी में एक शिकायती आवेदन पत्र की जांच पर से ये मुकदमा कायम किया गया धोखाधड़ी का। इसमें फरियादिया के द्वारा जो कि बड़ापुर के रहने वाली, इसके तरह बताया गया था कि 0.75 जमीन उसको गंगा मालनपुर में आरोपी गढ़ों की तरफ मुझे बेच दी गई थी, रजिस्ट्री कर दी गई थी, लेकिन इसके बाद उनके द्वारा पुनः किसी दूसरे को रजिस्ट्री कर दी। तो इस आधार पर एक महिला और एक पुरुष दोनों आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला विभिन्न धाराओं के तहत धनी यूनिवर्सिटी पंजीबद्ध कर इन्वेस्टिगेशन।